सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ, और हाँ गाइस आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो गाइस हमारे वीडियो बने रहना और वीडियो को मिस नहीं करना गाइस। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ गाइस, आज कुछ सीखने को नया मिलने वाला है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ और पिक्सआर्ट को कर लेते हैं ऑन। तो पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद गाइस आपको इस प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऑल फोटोज पे क्लिक कर देना है और चले जाना अपनी फाइल में। अपनी फाइल में जाने के बाद आपको इस वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद गाइस आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है रिसाइज में। रिसाइज में जाने के बाद इसको साइज जो हटा देनी है और यहाँ से कर देनी है 1717। यहाँ से करना है डन। डन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको चले जाना अपनी फाइल में। अपने फाइल में जाने के बाद गाइस दोनों फोटो को ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद गाइस आपको ये वाली फोटो को यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं ऐड, और यहाँ पे क्या करना है ऑपेसिटी को कम कर देनी है। ऑपेसिटी को कम करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो है कट हो चुका है। यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको थोड़ा ऑपेसिटी को बढ़ा देनी है। ऑपेसिटी को बढ़ाने के बाद गाइस आपको थोड़ा और फोटो को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है। ठीक है, थोड़ा फोटो को यहाँ पर साइज़ बड़ा रखेंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने से छोटा हो गया गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और फिर से इधर पे क्लिक करता हूँ, और फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा मैं इसको डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से कट कर लेनी है गाइस। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं कट, और यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छी तरीके से हमारा जो फोटो है कट हो चुका है। अब इसी अब दूसरे फोटो को यहाँ करेंगे सेट। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होगा। तो गाइस देख सकते हो कि हमारे जो फोटो कितनी अच्छी लग रही है। तो आपको करना है, आपको थोड़ा क्या करना है, आपको जाना है एडजस्ट में, और एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको इस पर क्लिक करना है साइडों पे, और यहाँ पे थोड़ा कम कर देनी है। ठीक है, ताकि जो बैकग्राउंड से मैच हो जाए तो आपकी जो फोटो मस्त लगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ी अच्छे से यहाँ पे कर लूँगा गाइस। ठीक है, और यहाँ से करते हैं थोड़ा डन, और डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में, और हेयर स्टाइल ऐड कर लेनी है। तो टिकटॉक में यहाँ फाइल बना हुआ है, टिकटॉक बहुत फेमस ही है। तो यहाँ से कर लेते हैं आप ये क्या बोलते हैं हेयर स्टाइल को ऐड कर लेते हूँ। तो ऐड करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से सेट कर देनी है। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सेट हो गया। आपको क्या करना है तो ऑपेसिटी को कम करना है, उसको क्या करना है फोटो को जूम करना है, और उसको यहाँ पे इरेज पे क्लिक, इरेज पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा हटा देनी है। ठीक है, जितने फालतू पार्ट दिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको गाइस कट करना होगा। यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद गाइस क्या करना है ऑपेसिटी को बढ़ा देनी है। ऑपेसिटी को बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है आपको जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको थोड़ा इसको कम कर देनी है। ठीक है, तो बढ़ा कर रखना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर बढ़ा लेते हैं गाइस थोड़ा हाइलाइट को, कॉन्ट्रास्ट उसको क्या करते हैं यहाँ पर बढ़ा लेते हैं गाइस। ठीक है, क्या करना है थोड़ा क्लैरिटी को देख लेते हैं, तो क्लैरिटी को बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। अब उसका क्या करना है यहाँ पे थोड़ा, सॉरी गाइस, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं गाइस, तो इसको भी थोड़ा यहाँ बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, हाँ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ गाइस। ठीक है, और इसको हाईलाइट से थोड़ा बढ़ा लूँगा गाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और क्या करना है आपको यहाँ पे साइडों पर जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं डन। तो गाइस आप देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ सेट हो गया है। और क्या करना है गाइस यहाँ पे डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको कुछ साइडों बनाना है। साइडों बनाने के लिए क्या करना है आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है ब्रश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपेसिटी को थोड़ा कम रखनी है, और साइडों को तो ये देखते हो साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से करना है डन, और फोटो को जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद यहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो साइडो बन चुका है। आपको क्या करना है क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑपेसिटी को कम कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना है गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से डायरेक्ट फोटो को सेव कर लेना है। ठीक है, तो आप जो भी कलर सेटिंग करना है लाइट रूम के अंदर कलर सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टिन डॉट पर क्लिक कर देनी है, और सेव इमेज पर क्लिक करके सेव कर लेनी है। तो वैसे हमारा जो फोटो लाइट रूम की तरफ ओपन हो चुका है गाइस, आपको क्या करना है आपको इसलिए लाइट पे क्लिक करना है, और लाइट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको हाइलाइट को थोड़ा यहाँ पे कम कर देनी है, और साइडों को थोड़ा बढ़ा देनी है। ठीक है गाइस, तो गाइस थोड़ा साइडों को यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से साइडों को बढ़ा लेनी, थोड़ा ज़्यादा नहीं कम रखना है गाइस। उसे क्या करना है व्हाइट बैलेंस को थोड़ा कम कर देनी है, और थोड़ा ब्लैक को यहाँ पे बढ़ा देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कम कर देनी है गाइस। ठीक है, और क्या करना है गाइस आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट पे क्लिक करना, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा यू को थोड़ा बढ़ा देनी है, और थोड़ा सैचुरेशन को कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा लुमिनस को भी देख लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा लुमिनस को बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
और क्या करना है आपको इस पर ब्लू टोन क्लिक करना है और थोड़ा क्या करना है आपको यू को थोड़ा कम कर देनी है, सेचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है, ठीक है, और लुमिनेंस को आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है। और क्या करना है येलो टोन पर क्लिक करना है, थोड़ा यू को आप यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और सेचुरेशन को यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और क्या करना है लुमिनेंस को आपको थोड़ा यहाँ पे बढ़ा कर रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको कर लेनी है। और आप ऑरेंज पे क्लिक करना है और थोड़ा इसको बढ़ा लेनी है, ठीक है, और यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद गाइस आपको थोड़ा वाइब्रेंस को बढ़ा लेनी है, सेचुरेशन को थोड़ा यहाँ पे कम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है, ठीक है, उसका क्या करना है वाइब्रेट को थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा कुछ इस तरीके से। और क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सॉफ्टनेस को बढ़ा लेनी है, ठीक है, सॉफ्टनेस को बढ़ाने के बाद थोड़ा फेस स्मूथ कर लेंगे, तो फेस स्मूथ करने के लिए आपको नॉइस पे यहाँ क्लिक करके बढ़ा देनी है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं गाइस कुछ इस तरीके से आपको कर देनी है। और यहाँ पर कलर नॉइस को बढ़ा लेनी है, ठीक है, ताकि जो सारा चीज़ आपका बहुत अच्छे से स्मूथ हो सकता है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो गया, फोटो देख सकते हो गाइस कितने बेहतरीन लग रहे हैं गाइस। तो गाइस हमारा जो फोटो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस आप यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पे सेव कर लेते हैं, हमारा जो फोटो फुल एचडी में यहाँ सेव हो जाता है, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने का मन नहीं करता है गाइस तो एक लाइक जरूर करना, बस आप लोग को जो लाइक मिलता है उससे हम लोग बहुत अच्छा खासा मोटिवेट होते हैं और अच्छा खासा वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं गाइस, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना गाइस। तो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।